please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की वजह से 63 लोगों की मौत हो गई है. पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में भी कई लोगों की मौत हुई है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में धूल भरी तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया. इस दौरान कई इलाकों में लगभग 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी धूल भरी आंधी चली और गरज के साथ कई जगह बारिश भी हुई है. खराब मौसम का असर मेट्रो सेवा और विमान सेवाओं पर भी पड़ा, जिस वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 40 उड़ानों को डायवर्ट किया गया और साथ ही कुछ घंटों तक विमानों की आवाजाही को भी फिलहाल रोक दिया गया था. मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में फिर से तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है. तो कल शाम से ही करीब 4:30 बजे से लगातार तेज आंधी, हालांकि चेतावनी इसकी पहले दी गई थी लेकिन वो सिर्फ चेतावनी उत्तर प्रदेश के लिए थी, पर दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाके, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके जहां पर तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी और बारिश भी हुई है. दिल्ली एनसीआर में आज भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है, साथ ही कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है. इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लोधी स्टेट में मौसम विभाग के अंदर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां किस तरीके से जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है. ये जो आप देख सकते हैं ये जो पूरा हिस्सा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो दिल्ली का हिस्सा है यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आज हवाएं चल सकती हैं दोपहर बाद. इसके अलावा दिल्ली में कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. रविवार शाम जिस तरीके से पहले तेज़ हवाएं चली, फिर धूल भरी आंधी चली, तो उसके बाद फिर बारिश आई. उसका जो हवाओं का जो स्पीड था वो 109 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दर्ज किया गया था, वो मैक्सिमम था. और हम बात करें टेम्परेचर की गिरावट की, तो दिल्ली में जिस तरीके से, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से तेज़ हवाएँ और बीते शाम बारिश हुई है, उसके बाद जो आज का जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. वीडियो जर्नलिस्ट जुलकर खान के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली. रविवार की शाम दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई. लगभग 260 से ज्यादा कॉल्स जो है पीसीआर को मिली, वहीं 105 कॉल दमकल विभाग को मिली जो अलग अलग जगह की घटनाओं के लिए थी. वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 19 से ज्यादा लोग इस आंधी तूफान में घायल हुए थे. 189 के आसपास पेड़ गिरे थे जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली के गिरे थे. वहीं साथ ही 40 से ज़्यादा पोल जो हैं वो गिरे हैं जिनमें सप्लाई या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं वो पोल गिरे हैं और ऐसे पेड़ जो हैं जगह जगह गिरे हैं. और लगभग जो आंधी तूफान था उसकी रफ्तार जो बताई जा रही है वो 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी. वहीं साथ ही उसकी वजह से कई उड़ानें, लगभग 70 से ज़्यादा उड़ानों को तो जो है डाइवर्ट किया गया. वहीं काफ़ी उड़ानें देरी से चली जिससे यात्रियों ने जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी नाराज़गी जताई और वहीं साथ ही रेलवे यातायात में भी काफ़ी फर्क पड़ा है क्योंकि पटरियों पर पेड़ गिर गए जिसकी वजह से ट्रेनों को नियत समय पर नहीं चलाया जा सका. डॉक्टर एम महापात्रा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ईडीजी हैं आईएमडी में. सर, जिस तरीके से हमने रविवार शाम को देखा था कि तेज हवाएं चली 109 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, आज मौसम क्या रहेगा, किस तरह का रहने वाला है? पास्ट 24 आवर्स में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिला, इसका प्रमुख वजह यही था कि एक पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर मूव कर रहा है. आज भी ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पास ही है. इसके प्रभाव में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और स्क्वाल एक्टिविटी हो सकता है. विंड स्पीड 50 से 70 किलोमीटर का उम्मीद किया जा रहा है. इसके साथ साथ जो प्लेन एरिया है जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड यूपी, इसमें भी हम लोग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उम्मीद कर रहे हैं विथ गॉस्टिनेस इन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड स्ट्रांग हो सकता है. मगर आप कल के साथ आज का कंपेयर करेंगे तो इंटेंसिटी बहुत कम रहेगा. इसके साथ साथ नॉर्थ राजस्थान में भी कुछ एरिया में आपका डॉस्टर्म हो सकता है और गोस्टी विंड्स भी हो सकता है. मैं यहाँ भी आपको बोल के रखूँ कि कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सीमित नहीं है और ईस्टर्न इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड वगैरह में भी थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हुआ है, स्क्वाल भी रिपोर्ट हुआ है. और हमारा उम्मीद है अगले 24 घंटे में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म हो सकता है और कहां कहां गॉस्टिनेस और स्क्वाली विंड स्पीड भी हो सकता है, 50-70 किलोमीटर विंड स्पीड हो सकता है.
तो यूपी में आंधी तूफान ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। राज्य में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 38 लोगों की मौत हो गई। कासगंज, कन्नौज, अलीगढ़, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, संभल और बुलंदशहर में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है। अकेले कासगंज की ही बात करें तो वहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है। अजीत इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। अजीत, अगर हम तस्वीरें देखें, जो 8 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, तबाही काफी ज्यादा हुई है। और इस बीच मौसम विभाग का ये भी कहना कि हवाएं आज भी वैसी चलेंगी, हालांकि अमूमन अगर रफ्तार देखी जाए तो थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे रह सकते हैं। बिल्कुल नौजूद, जो रफ्तार की हवाओं की 109 किलोमीटर के आसपास की, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में काफी तबाही हुई है। लगभग 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, वो लेट चल रही हैं, फ्लाइट की सुविधाएं काफी विलंब से चल रही हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या है वो कासगंज में 6 है, बरेली में 5 की मौत है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में काफी मौतें हुई हैं। लगभग 38 मौतों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है। बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं, राहत कार्य के भी, बचाव के भी कार्य जारी किए गए हैं। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग सचेत रहें, पेड़ों के नीचे न सोएं और अपने घर के अंदर सोएं। तो निश्चित तौर पर इसके पहले भी जब मौतें हुई थी तो वो 45 के आसपास मौतें हो गई थी। तो निश्चित तौर पर मौसम जो आपदा है वो लोगों के ऊपर कहर ढा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन अलर्ट के बावजूद भी इतनी जाने जो गई, शायद ये प्रशासनिक चूक होगी, पहले से लोगों को तैयार नहीं किया गया है। जी, तो मौसम विभाग ने अलर्ट आज के लिए भी जारी किया है और एहतियातन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से चेतावनियां जारी कर दी है। नजर बना रखी है जी।